अब बात एक अनोखे विरोध प्रदर्शन की कर लेते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर कुछ लोग विरोध दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना क्या कि सड़क बेहद खराब है और इस बेहद खराब सड़क का विरोध भी ये अनोखे अंदाज में प्रकट कर रहे हैं। हर कोई हंस हंस कर लोटपोट हो रहा है। महिलाएं, बच्चे सभी बस हंस रहे हैं। एक कतार में खड़े होकर पुरुष भी जमकर ठहाके लगा रहे हैं। हाथ में विरोध करने के लिए बैनर पोस्टर हैं, लेकिन ये लोग विरोध प्रदर्शन में नारेबाजी करने की बजाय जोर जोर से ठहाके लगा रहे हैं, ताकि इनकी आवाज सरकार और प्रशासन तक पहुंच सके। ये तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। यह अरविंद विहार पेट्रोल पंप से चौराहे तक करीब 200 मीटर की सड़क नहीं बनाई गई, जिसकी शिकायत इन लोगों ने कई बार की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब जाकर इलाके के लोगों ने विरोध करने का यह अनोखा तरीका निकाला। पिछले दो साल से ये सड़क नहीं बन पा रही है और 3 करोड़ रुपया इसके लिए सैंक्शन हो चुका था, और जब जब हम लोगों ने यहाँ आंदोलन प्रदर्शन कराया तभी सरकार ने थोड़ा बहुत काम किया है, उसके बाद काम रोक दिया जाता है। अब जब ये काम रुका है, 200 मीटर का रोड है और अरविंद विहार बागों वाले एक्सटेंशन के गलियों के भी रोड बहुत खराब हो चुके हैं। जनता परेशान है, सरकार को केवल जनता जो है दिखाई देती है, वो चुनाव के समय दिखाई देती है। पता चला है कि इस सड़क के लिए 2 साल पहले 2 करोड़ रुपए में टेंडर हुआ था, लेकिन निगम ने पैसे का भुगतान नहीं किया, जिसके चलते ठेकेदार ने काम रोक दिया। ऐसे में इलाके के लोगों को जर्जर और गड्ढे वाली सड़क के कारण काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ 8।